हेलो स्पीडेंट्स आप जैसा कि देख पा रहे हैं एज सेक्स स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन पिरामिड आज का ये वीडियो इस टॉपिक पर डेडिकेटेड है इसमें आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन एज स्ट्रक्चर जो मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूं मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन अंडर 15 इयर्स एंड सिक्स इन ऑफ एज वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन सबके डेफिनेशन है छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है इसका डेफिनेशन वर्किंग पॉपुलेशन और डिपेंडेंसी रेशियो इन दोनों को हम इस टेबल से समझेंगे अलग अलग एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा दिया हुआ है इस डेटा में हम कैलकुलेशन समझेंगे सेक्स और जेंडर में डिफरेंसेस देखेंगे सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सेक्स रेशियो क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स रेशियो क्या होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स रेशियो पॉपुलेशन एजिंग क्या होता है पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है कुछ इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन पिरामिड के आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूज ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इसके क्या यूज है इस पॉपुलेशन पिरामिड का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेशन है तो हम पॉपुलेशन पिरामिड के इस सेक्शन में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेज होते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड भी हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे आज के इस वीडियो में सारे टॉपिक होंगे जो मैं यहाँ पर कवर करूंगा तो आइए शुरुआत करते हैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये वीडियो एज सेक्स स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन पिरामिड के ऊपर बेस्ड है यहाँ से एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब पलट कर आप देखेंगे तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट को हम देखते हैं क्या है एज एंड सेक्स आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टेल अस द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड दस रिफर्स टू एज द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एज और सेक्स ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को बताते हैं और ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक भी कहलाते हैं किसके पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर क्या होगा द एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपुल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स फॉर एज स्ट्रक्चर टू इंपॉर्टेंट मेजर्स आर इन टू कंसिडरेशन कौन कौन से हैं? एक तो चाइल्डहुड जो चिल्ड्रेन पॉपुलेशन कहलाएगा दूसरा ओल्ड एज पॉपुलेशन जिसको नॉन वर्किंग पॉपुलेशन भी कहा जाता है इन दोनों को चिल्ड्रेन पॉपुलेशन और ओल्ड एज पॉपुलेशन बाकी जो बीच की पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर वन में लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन पॉपुलेशन अंडर 15 इयर्स ऑफ एज एंड सेकेंड नंबर में है परसेंटेज ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन एब 65 फाइव ईयर्स ऑफ एज तो जो टोटल पॉपुलेशन है ये पीटी क्या है टोटल पॉपुलेशन इस टोटल पॉपुलेशन में से जो 15 ईयर्स एज से कम के जो बच्चे होंगे उनका प्रोपोर्शन कितना है और 65 फाइव ईयर से ऊपर के जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज कितना है यहाँ पर ये नोटेशन है पी ये चिल्ड्रेन पॉपुलेशन का परसेंटेज होगा और ये ओल्ड एज पॉपुलेशन का परसेंटेज होगा वेयर पी जीरो टू फोर्टीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन एज अंडर 15 ईयर्स और P65 सिक्सटी प्लस ये कहलाएगा पॉपुलेशन एज एब सिक्सटी फाइव ईयर्स और पीटी क्या है पॉपुलेशन मतलब 65 15 और करने के बाद ये ये आ जाता है तो ये most most important है तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है दब रिलेशनशिप डिफाइंड इन इक्वेशन वन एंड टू इंडिकेट डिपेंडेंट रेशियो क्यों क्योंकि जो डेमोग्राफी में डिफाइन किया गया है जीरो टू फोर्टीन और सिक्सटी फाइव से प्लस के जो पॉपुलेशन है इनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा गया है बाकी फिफ्टीन से 65 तक के पॉपुलेशन को वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है जो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर पढ़ेंगे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग पॉपुलेशन द स्ट्रक्चर ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 65 फाइव ईयर्स इंडिकेट वर्किंग पॉपुलेशन तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होगा जो मैंने अभी ऊपर में बताया उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है द एज स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द वर्किंग पॉपुलेशन फ्रॉम डिपेंडेंट पॉपुलेशन दस दोज अंडर फिफ्टीन एंड अब सिक्सटी फाइव ईयर आर नॉट जनरली कंसिडर्ड टू बी इंगेज इन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड सो आर नॉर्मली डिपेंडेंट ऑन दोज हु आर वर्किंग मतलब फिफ्टीन ईयर्स से कम के जो लोग होंगे और सिक्सटी फाइव ईयर्स से जो मैक्सिमम होंगे सो दे आर नॉर्मली डिपेंडेंट ऑन दोज हु तो वर्किंग पॉपुलेशन कौन से थे ये फिफ्टीन टू सिक्सटी फाइव वाले इनके ऊपर ये दोनों पॉपुलेशन डिपेंडेंट होंगे तो इसीलिए इनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाएगा नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज स्ट्रक्चर हैज बीन इनटू टाइप्स कौन कौन से हैं वेस्ट यूरोपियन टाइप नॉर्थ अमेरिकन टाइप और ब्राजीलियन टाइप इसमें चिल्ड्रेन एज टू जीरोन और ओल्ड एज सिक्सटी फाइव प्लस इस जो वेस्ट यूरोपियन टाइप है इसमें चिल्ड्रेन का जो रेशियो है वो लेस देन थर्टी परसेंट होता है और ओल्ड एज जो सिक्सटी फाइव प्लस के पॉपुलेशन है उसमें फिफ्टीन परसेंट का शेयर है नॉर्थ अमेरिकन टाइप का जो एज स्ट्रक्चर है उसमें थर्टी टू फोर्टी परसेंट का शेयर जीरो टू फोर्टीन उनका शेयर और ओल्ड एज वाले फोर टू एट परसेंट ये एक डिफाइंड कैटेगरीज है द टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर हैज ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर ऑफ ए कंट्री बिकॉज द डिपेंडेंट पॉपुलशन आर कंसिडर्ड टू बी द बर्डन ऑन इकोनॉमी ऑफ़ कंट्री इस ग्रुप को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जीरो टू और सिक्सटी फाइव प्लस के जो पॉपुलेशन होते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होते हैं और जनरली डिपेंड होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर हमने डिपेंडेंट पॉपुलेशन देखा वर्किंग पॉपुलेशन देखा एज स्ट्रक्चर देखा जिसके अलग अलग टाइप थे यूरोपियन टाइप, टाइप टाइप, टाइप अमेरिकन और ब्राज़ीलियन ये तीन के थे। अब दोनों पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाते हैं तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगा पॉपुलेशन ऑफ जीरोन ईयर्स एंड पॉपुलेशन ऑफ 65 प्लस इयर्स इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई वर्किंग पॉपुलेशन ये पर वर्किंग पॉपुलेशन है इसका डेफिनेशन क्या होगा द डिपेंडेंसी रेशियो गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पर के पर्सन ऑफ द वर्किंग एज ग्रुप एंड इज डिफाइंड एज दिस डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू दिस इनटू के वेयर के इज कॉल्ड रेडिक्स जनरली टेकन एज हंड्रेड और वन थाउजेंड अगर आप हंड्रेड में करेंगे तो ये परसेंटेज निकलेगा और अगर वन थाउजेंड लेंगे तो ये पर वन थाउजेंड डिपेंडेंसी रेशियो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं द रेडिक्स इज जनरली टेकन एज

इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक टेबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्टेड एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूएस पॉपुलेशन 2020 है यहाँ पर एज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है और ये बोथ सेक्सेज है जिसमें मेल एंड फीमेल ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेक्टेड हैं इन दोनों को सम करेंगे तो आपको बोथ बोर्ड से मिलेगा ट्रिपल थ्री एट नाइन सिक्स ये एज है ये फोर इयर्स के डिफरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है जीरो टू फोर इयर्स फाइव टू नाइन इयर्स अप टू हंड्रेड इयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हंड्रेड प्लस इस टेबल से जो हम एनालिसिस करेंगे तो ये दिखेगा टेन टू फोर्टीन मीन जीरो टू फोर्टीन ईयर्स तक के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उन सब का सम ये टोटल पॉपुलेशन एक डिपेंडेंट कहलाएगा का, का और 65 प्लस मींस 65 से जितने भी आगे के पॉपुलेशन होंगे ये सब क्या होंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन आप देख सकते हैं तो यहाँ से हम इसको एक लाइन से ड्रॉ करेंगे ये जो भी पॉपुलेशन आपको मिलेंगे ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है ये सारे और यहाँ पर जीरो टू फोर्टीन ईयर्स के जो भी पॉपुलेशन होंगे ये सारे डिपेंडेंट होंगे तो बाकी फिफ्टीन से सिक्सटी फोर ईयर्स होगा ये टोटल वर्किंग पॉपुलेशन होगा इसी पॉपुलेशन पर जीरो टू फोर्टीन ईयर्स और सिक्सटी फाइव प्लस ईयर्स के जो भी पॉपुलेशन होंगे वो डिपेंडेंट होंगे और यहीं से डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेट किया गया है अंडर फिफ्टीन ईयर्स ऑफ एज टोटल कितने हैं सिक्सटी थ्री सेवन थ्री वन ये नाइनटीन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट होंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन पॉपुलेशन यहाँ पर दिए हुए हैं जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सिक्स थ्री सेवन थ्री वन ये टोटल पॉपुलेशन आएगा ये पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है नाइनटीन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट और सिमिलरली सिक्सटी फाइव एंड अब का पॉपुलेशन फिफ्टी फाइव थाउजेंड नाइन सिक्सटी नाइन है और ये पॉपुलेशन है 16.76% परसेंट ये दोनों पॉपुलेशन इसके ऊपर बेस्ड होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एज डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू दिस ये वैल्यू है प्लस 55969 ये वैल्यू है और डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप 15 टू 64 100 ये 55.88% आ गया तो यहां से डिपेंडेंसी रेशियो आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से नेक्स्ट देखते हैं सेक्स इट इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिवाइड्स द ह्यूमन रेस इनटू मेल्स एंड फीमेल्स जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन होगा उसको कहेंगे सेक्स और जेंडर क्या होगा जेंडर इज द सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू मेल एंड फीमेल रादर देन बायोलॉजिकल वंस इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही होगा कि ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक रखेगा उसको सेक्स कहेंगे और अगर सोशल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होगा तो यही सेक्स क्या हो जाएगा जेंडर सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन एक्सप्रेस आइदर इन एब्सोल्यूट नंबर और एज परसेंटेजेस ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन आप यहाँ से

कि अगर मेल की संख्या ज्यादा होगी और फीमेल की संख्या कम होगी तो वो के से छोटा होगा चाहे के की वैल्यू यहाँ पर आप चाहे 100 में निकालिए या फिर 1000 में कैलकुलेट करिए सिमिलरली रेशियो इज इक्वल टू के इस 100 के इक्वल हो जाएगा कब जब दोनों नंबर सेम हो जाएगा आपस में कैंसिल होकर के वन हो जाएगा और ये आपको वैल्यू के मिलेगा और सेक्स रेशियो इज ग्रेटर देन के यहाँ पर आपको दिख रहा है कब होगा मोर मेल्स देन फीमेल्स नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेक्स रेशियो कौन कौन से होंगे फैक्टर्स डिफरेंशियल इन इन सेक्स 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 माइग्रेशन रेशियो एट बर्थ पॉपुलेशन इनोम्रेशन ये चारों आपको याद रखना चाहिए यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड फॉर सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इज कॉल्ड एज वाइज और एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो जब सेक्स रेशियो सब ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफाइन हो जो पॉपुलेशन का सब ग्रुप होगा इट इज कॉल्ड एज वाइज सेक्स रेशियो सेक्स रेशियो कैन एडिक्वेटली डिस्क्राइब द सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन नेक्स्ट पॉइंट है द सेक्स कंपोजिशन इन इंडिया इज ए मैटर ऑफ कंसर्न व्हिच बीइंग मच लोअर देन 954 ए लॉन्ग टाइम इस लाइन का मतलब यह है कि 11 में जो सेक्स रेशियो है वो 943 पर 1000 मेल है इसका मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ कंसर्न है जो 950 से भी लोअर है फॉर ए लॉन्ग टाइम एक यहां पर बात समझने वाली और है कि 1901 में जो सेक्स रेशियो था 972 था इसके बाद और आने वाले कुछ समय में इंडिपेंडेंस के बाद सेक्स रेशियो में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया और टू थाउजेंड इलेवन में ये नाइन फोर्टी थ्री है अभी हम उतने डी में नहीं जाएंगे हमारा यहाँ पर टॉपिक कुछ अलग है हम इसीलिए डेटा पे नहीं जाएंगे बस आप थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन समझ लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है

और फीमेल का सेक्स रेशियो निकाला था जो नंबर ऑफ फीमेल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन यहाँ भी जब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे इस के को क्या कहेंगे रेडिक्स इट इज जनरली टेकन एज सिमिलरली फीमेल के लिए क्या हो जाएगा फेमिनिटी प्रोपोर्शन इट एक्चुअली इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स इन द पॉपुलेशन सिमिलरली आपका मेल की तरह क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल्स इन पॉपुलेशन एट टाइम टी डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन एट टाइम टी इन टू

फेमिनिटी प्रोपोर्शन इज इक्वल टू सेक्स रेशियो डिवाइडेड बाई वन प्लस सेक्स रेशियो जब इस रिलेशन को मेस्कुलटी प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे तो कुछ ये रिलेशन आएगा सेक्स रेशियो इज इक्वल टू डिवाइडेड माइनस और इस रिलेशन को जब एफ पी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा सेक्स रेशियो इज इक्वल टू डिवाइडेड माइनस अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेक्स रेशियो ये थ्री टाइप्स के होते हैं जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है सेक्स रेशियो एट बर्थ

तो ये सेक्स रेशियो ऑफ डेथ का फॉर्मूला होगा वेयर सिमिलरली के इज जनरली टेकन एज वन थाउजेंड थर्ड नंबर आता है एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो दिस रेशियो डिफाइंड अमंग पर्सन एट ईच एज इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो फॉर आइथ एज ग्रुप इट इज गिवन एज नंबर ऑफ फीमेल एज एक्स आई इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेल एज एक्स आई इन द सेम पॉपुलेशन इन के वेयर के इज सिमिलरली टेकन एज 1000 ये एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं 0 टू 4 इयर्स का एक एज ग्रुप है इस एज ग्रुप में टोटल जो पॉपुलेशन है वो 21808 है मेल का पॉपुलेशन 11150 है और फीमेल का पॉपुलेशन 10658 है यहाँ पर जो सेक्स रेशियो 1.04 निकाला गया है ये यूएस का सेक्स रेशियो है और इंडिया के अलावा दूसरे देशों में जो सेक्स रेशियो कैलकुलेट किया जाता है उसमें मेल न्यूमिनेटर होते हैं और फीमेल डिनोमिनेटर होते हैं इसी वजह से यहाँ पर सेक्स रेशियो 1.04 है हम इंडिया के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेल इंटू हंड्रेड करेंगे तो चूंकि फीमेल की संख्या क्या है कम और मेल की संख्या फीमेल से ज्यादा है तो तो इस एज ग्रुप में जो आपको दिख रहा है जीरो टू फोर इयर्स यहाँ पर सेक्स रेशियो कुछ हंड्रेड से कम आएगा और ये कहलाएगा एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो सिमिलरली फाइव टू नाइन इयर्स में सेक्स रेशियो आपको कैलकुलेट करना हो तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू इंटू हंड्रेड टेन टू फोर्टीन ईयर्स में सेक्स रेशियो कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेल इंटू हंड्रेड सिमिलरली आप किसी भी एज ग्रुप के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट किया गया था 15 to 64 years का population denominator में है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो under 15 plus 65 and over. तो इस पूरे पूरे का का निकाल निकाल लीजिए लीजिए और इस पूरे population का sex ratio निकाल इस एज ग्रुप में भी सेक्स रेशियो कैल्कुलेट कर सकते हैं और इस ग्रुप में भी सेक्स रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो क्या है और वर्किंग पॉपुलेशन एज ग्रुप का सेक्स रेशियो क्या है नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एजिंग इट इज एन इंक्रीजिंग मीडियन एज इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स एंड राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली पॉपुलेशन एजिंग ओल्ड एज पॉपुलेशन को कहा जाता है मतलब इसमें जो एज होता है वो इंक्रीजिंग करता है और फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज करता है आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं एक ये छोटा सा फिगर बना हुआ है ये ओल्ड एज से रिलेटेड कुछ समझ में आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इट इज शिफ्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन टुवर्ड्स ओल्डर एजेस जो पॉपुलेशन एज का शिफ्टिंग है टुवर्ड्स ओल्डर एजेस ए पॉपुलेशन इज सेट टू बी बिकमिंग ओल्डर और यंगर डिपेंडिंग ऑन वेदर द मीन एज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर मीन एज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो वो क्या कहलाएगा ओल्ड एज और डिक्रीज होगा तो यंगर पॉपुलेशन कहलाएगा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन पिरामिड इस पिरामिड को एज पिरामिड और एज जेंडर पिरामिड भी कहा जाता है यहाँ पर आप पॉपुलेशन पिरामिड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है देख सकते हैं ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कुछ होरिजेंटल बार बने होते हैं इसमें लेफ्ट साइड में जो बार होते हैं वो मेल को रिप्रेजेंट करता है और जो राइट right साइड में बार होते हैं वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं ये आप स्केल देख सकते हैं जीरो फाइव टेन फिफ्टीन अप टू हंड्रेड ये एज को डिनोट करते हैं और जो एक्स एक्सिस पे स्केल देख रहे हैं ये पॉपुलेशन को डिनोट करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो एट्टी वन सिक्सटी टू फोर्टी थ्री ट्वेंटी एंड फोर हंड्रेड ये पॉपुलेशन है इन थाउजेंड सिमिलरली यही है, ये के लिए यहाँ पर में रखा गया है और राइट right साइड में फीमेल के लिए है अब इसके डिस्क्रिप्शन को समझते हैं द पॉपुलेशन पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप इन ए पॉपुलेशन ये अलग अलग एज ग्रुप को डिफाइन करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से टेबल में हमने देखा है अभी जीरो टू हंड्रेड प्लस ईयर का पॉपुलेशन उसमें समराइज है एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसी तरह से यहाँ पर जीरो टू हंड्रेड ये वर्टिकल बार में एज यहाँ पर इंडिकेट किया गया है इसमें जीरो टू फिफ्टीन जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप फिफ्टीन है ये पॉपुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं और 65 प्लस ईयर का जो एज ग्रुप है वो कुछ ये है इसके ऊपर बाकी जो ये ग्रुप है आप देख सकते हैं ये पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं द यंगेस्ट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर टेकन एट द बेस एंड मूव ऑन द ओल्डर सेगमेंट टिल द ओल्डेस्ट कम एट द टॉप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है वो बिल्कुल बेस में है और जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर चलते जाएंगे और ये लास्ट में ओल्ड एज पॉपुलेशन पे पहुंच जाएंगे वर्ड पिराज यूज ऑफ द कोनिकल शेप ऑफ द ये आपको दिख सकता है यहाँ पर कि जो डायग्राम है वो इसीलिए 1874 इन ए Statistical Atlas ऑफ द यूनाइटेड States. इसके कुछ चीफ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं. हालांकि मैंने यहाँ पर फिगर में इसको नोट आउट किया था आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज यहाँ पर अरेंज्ड है बार ग्राफ शोज द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन मैंने अभी आपको फिगर में समझाया था पॉपुलेशन पिरामिड कंटेंस होरिजेंटल बार डायग्राम एक्स एक्सिस विच इज होरिजेंटल एक्सिस डिपिक्स पॉपुलेशन साइज अभी मैंने आपको बताया था कि ये पॉपुलेशन साइज है होरिजेंटल में और वर्टिकल क्या है एज ग्रुप को बताता है नेक्स्ट लाइन है हमारा जेंटेड ऑन द लेफ्ट एंड फीमेल ऑन द राइट ऑफ द वाई एक्सिस कुछ इंपॉर्टेंट नोट है इसका एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में बी मेजर्ड आइदर बाई एबसोल्यूट नंबर और एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन के रूप में स्केलिंग लिखा हुआ है इस स्केलिंग के थ्रू एब्सोल्यूट नंबर में भी इसका पॉपुलेशन हो सकता है और इस नंबर को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर निकाला जा सकता है एब्सोल्यूट नंबर शोज डिफरेंसेस इन ओवरऑल साइजेस ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एट ईच एज सेक्स ग्रुप एंड परसेंटेजेज शो द रिलेटिव डिफरेंसेज इन पॉपुलेशन साइज एट ईच एज सेक्स ग्रुप अब इसके कुछ यूज पर आते हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड का यूज क्या है द पॉपुलेशन पिड कैन बी यूज टूरटेन द्वालिटी इन द पास हिस्ट्री ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट एडिशनल रेस और जियोग्राफिक लोकेशन एनालाइज ऑल द फोर स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन पिरामिड का यूज मोस्टली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऑल फोर स्टेजेस को एनालाइज करने के लिए किया जाता है तो जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का यहाँ पर पॉइंट आ गया है तो इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज ए जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो पॉपुलेशन चेंज को बताता है फॉर ए टाइम इट इज द शिफ्टिंग फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स टू लोअर बर्थ एंड डेथ रेट्स इन फोर स्टेजेस ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो शिफ्टिंग होता है वो हाई बर्थ एंड डेथ रेट से लो बर्थ एंड डेथ रेट की ओर होता है जो टोटल फोर स्टेजेस में होते हैं अमेरिकन डेमोग्राफर फ्रैंक नोटिस्टीन फर्स्ट प्रोपाउंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन 1945 फोर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हम इस फिगर के थ्रू और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोर स्टेजेस हैं। स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री और स्टेज फोर जो ऊपर की लाइन है ये आपको बर्थ रेट बताता है और जो ग्रीन लाइन है ये डेथ रेट को शो करता है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है बर्थ रेट एंड डेथ रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये दोनों हाई है सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और थर्ड स्टेज में बर्थ रेट का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और डेथ रेट यहाँ पर लो है और फोर्थ स्टेज में बर्थ और डेथ ये दोनों लो है आपको इन चारों ट्रांजिशन में इनके अलग अलग जो वेरिएशन है वो याद रखने होंगे और इसके फिगर को भी समझना होगा इसके और भी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर देखते हैं ये स्टेजेस यहाँ पर लिखा हुआ है इसके फर्स्ट स्टेज को हाई स्टेशनरी कहा जाता है सेकेंड स्टेज को अर्ली एक्सपेंडिंग कहा जाता है थर्ड स्टेज को लेट एक्सपेंडिंग और फोर्थ स्टेज को लो स्टेशनरी कहा जाता है इन चारों स्टेज को कुछ और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है जो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इसके पहले यहाँ पर जो दो और भी इंफॉर्मेशन है हम समझ लेते हैं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ये फर्स्ट स्टेज जो होता है वो प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है सेकेंड स्टेज अर्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड, थर्ड स्टेज मेच्योर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड फोर्थ स्टेज पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है यहाँ पर आपको एक ये लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर में ये एक ट्रेंड लाइन है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को बताता है यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इट इज वेरी स्लो इन द फर्स्ट स्टेज रैपिड इन द सेकेंड स्टेज स्लोइंग इन द थर्ड स्टेज एंड वेरी स्लो इन द फोर्थ स्टेज जो मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया इसको राइट अप में नीचे मैंने प्रेजेंट किया है स्टेज वन जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया स्टेज वन को प्री ट्रांजिशन भी कहा जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फिगर में हाई स्टेशनरी स्टेज कहा गया है इसको प्री ट्रांजिशन स्टेज भी कहा जाता है और फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट ये दोनों है सेकेंड स्टेज ये अर्ली ट्रांजिशन होता है यहाँ पर इसको एक और भी नाम से लिखा गया है अर्ली एक्सपेंडिंग यहाँ पर हाई बर्थ रेट और फॉलिंग डेथ रेट होता है या डिक्लाइनिंग डेथ रेट इसको कहा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई बर्थ रेट है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड ऑफ डेथ रेट है थर्ड स्टेज में ये लेट ट्रांजिशन कहलाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट एक्सपेंडिंग से इसको डिनोट किया गया है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट फिगर में भी मैंने अभी आपको समझाया था डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट और इस फोर्थ स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों लो है आप फोर्थ स्टेज को देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांजिशन मॉडल में जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन एराइज होते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं अगर कुछ अलग से क्वेश्चन आते भी हैं तो कहीं से इंक्लूडेड होंगे जो आप अलग अलग बुक्स में जब रीडिंग करेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा अब हमारा लास्ट जो टॉपिक होता है वो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड एक्सपेंसिव स्टेशनरी एंड कंस्ट्रक्टिव ये तीन तरह के पिरामिड होते हैं और इन तीनों तरह के पिरामिड को समझना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों पिरामिड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से भी रिलेट होते हैं आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया गया है और एक 65 फाइव ऑफ एज ये लाइन ड्रॉ किया गया है मतलब ये जो एरिया आपको मिलेगा ये पूरा एरिया इस पिरामिड में यहाँ से यहाँ तक का एरिया मतलब 15 टू 65 फाइव ईयर्स तक का जो एरिया होगा वो वर्किंग पॉपुलेशन है और ये ओल्ड एज पॉपुलेशन है और जीरो टू फिफ्टीन ये चिल्ड्रेन पॉपुलेशन है आप इस पिरामिड से भी समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर का मामला है ये है डिपेंडेंट पॉपुलेशन और ये भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है तो यहाँ से डिपेंडेंसी रेशियो अगर निकालना हो तो दिस पॉपुलेशन प्लस दिस पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई पिरामिड का स्टेज है वो चार तरह से डिफाइन किया गया है स्टेज वन एक्सपेंडिंग होता है स्टेज टू भी एक्सपेंडिंग होता है स्टेज थ्री को स्टेशनरी और स्टेज फोर को कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल से भी रिलेटेड टॉपिक

देख सकते हैं कि बर्थ रेट हाई है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ डेथ रेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल इन डेथ रेट और life में rate, ये जो स्टेज होगा फोर्थ स्टेज इसमें लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट सिमिलर टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ही फोर स्टेज यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं और इस केस में लॉन्गर लाइफ होगा हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड मेंशन किया हुआ है तो इसके फर्स्ट टाइप को यहाँ पर हम देखते हैं एक्सपेंसिव पिरामिड द पॉपुलेशन पिरामिड इज वेरी वाइड एट द यंगर एज सक्सेसिव डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हायर एज ग्रुप्स पॉपुलेशन विथ दिस शेप हैव हाई फर्टिलिटी रेट्स विथ लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज मेनली इन अफ्रीका एंड एशिया हैव एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड ए लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज इन वर्किंग एज एंड रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स ये फाइव फाइव पॉइंट्स पॉइंट्स इन को जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये समझ में आता है कि स्टेज वन और स्टेज टू ये दोनों एक्सपेंसिव पिरामिड के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द पॉपुलेशन पिरामिड इज वेरी वाइड एट यंगर एजेस ये वेरी वाइड है आप देख सकते हैं फर्स्ट पिरामिड में और सेकेंड पिरामिड में मतलब

यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है जैसे जैसे डिक्लाइन ट्रेंड होगा इस ग्रुप में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसका फर्टिलिटी लेवल हाई होगा मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज मेनली इन अफ्रीका एंड एशिया हैव एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड डेवलपिंगली एक नोट है ए लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज इन वर्किंग एज एंड रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब जब वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर बहुत ज्यादा होगा तो उस कंट्री में जॉब की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है सेकेंड नंबर स्टेशनरी और स्टेबल पिरामिड इट इंडिकेट्स स्टेबल पॉपुलेशन और स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट नंबर है, द ऑफ एज एंड सेक्स रिमेन मोर्टेलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट इज बर्थ इक्वल टू डेथ नेक्स्ट पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स सिचुएशन ऑफ लो फर्टिलिटी रेट्स एंड लो मोर्टेलिटी रेट एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी नली हाई डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्वीडन यूएसए एंड नीदरलैंड है पॉपुलेशन पिरामिड इसमें भी पांच पॉइंट लिखे हुए हैं इस पाँचों प्वाइंट का जो रिलेशन है वो इस स्टेशनरी पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देख चुके हैं इट इंडिकेट्स स्टेबल पॉपुलेशन और स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ ये पिरामिड को देखने के बाद ये समझ में आता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसका स्टेबल है इसमें कोई भी ग्रोथ का पैटर्न शो नहीं होता है टॉप मोस्ट देखने से ये एनालिसिस समझ में आता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन दोनों स्टेज के कंपैरिजन में हाई है और ये एक अनचेंजिंग पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी ये भी शो करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि इस शेप के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी इन द पॉपुलेशन ये देखने को मिलता है ये मैंने अभी आपको बताया इट रिप्रेजेंट्स सिचुएशन ऑफ लो फर्टिलिटी रेट्स एंड लो मॉर्टेलिटी रेट्स एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो फर्टिलिटी और लो मोर्टलिटी तो शो करेगा लेकिन साथ साथ में बर्थ और डेथ जो फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी होगा, कि ये, भी होगा। like Sweden, ये एक अलग से इंफॉर्मेशन है नोट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव पिरामिड ए पिरामिड विथ ए नैरोड पिरामिड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेस जो है वो नैरो है यहाँ से ये ग्रो करता है और धीरे धीरे बढ़ता है और इसका कुछ शेप इस तरह का होता है कि स्टेशनरी पिरामिड के तरह ही होता है आफ्टर ग्रोइंग फ्रॉम द नैरो बेस इसमें पॉइंट है कंट्री हैज एजिंग पॉपुलेशन विथ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ए लो फर्टिलिटी रेट एंड ऑल्सो ए लो मोर्टलिटी रेट ये जस्ट लाइक थर्ड के ही तरह होता है लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग नैरो बेस स्टेशनरी पॉपुलेशन के ही तरह इस पॉपुलेशन पिरामिड का भी जो टॉप मोस्ट होगा एज ग्रुप वो हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्लूड करता है नेक्स्ट पॉइंट है द कंट्रीज हैव हाई लेवल ऑफ लिटरेसी इज एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल एंड वेरी गुड हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज इस टाइप के जो कंट्रीज होते हैं वहां पर ये सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं दिस रिड्यूसेस द डेथ रेट इन हाई एज ग्रुप एंड दे लिव longer ये एक इंफॉर्मेशन है इसी की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहां पर ये पिरामिड होता है उस कंट्री का हाई होता है तो आज के इस वीडियो में आपने पॉपुलेशन पिरामिड और उससे रिलेटेड टॉपिक को देखा जो एज स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था इसमें आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को भी समझा डिफरेंट एजेस में डिपेंडेंसी रेशियो को कैलकुलेट करने का मेथड भी देखा इस टेबल के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर को भी देखा डिपेंडेंट पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन इन सबको भी समझा यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी जरूर आएगा तो इन सारे टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत नाउ आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो विथ एन इंपोर्टेंट टॉपिक सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द स्कॉलर्स ग्रुप टेक केयर बाय बाय